फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये सुंदर सा फ्लावर वाला डोरमेट का डिजाइन आज आपको दिखाने जा रही हूँ मैं। इसको मैंने 34 फंदे में बनाया है, आप इसको 44 फंदे और 54 फंदे में इससे बड़ा साइज बना सकते हो। और ये देखिए, ये सुंदर सा ये झालर टाइप का कुछ मैंने बनाया है जो पत्ती शेप में है। इसको आप अलग अलग कलर से भी बना सकते हो, एक को इसको अलग कलर से, इसको काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने दो कली बना के रेडी कर लिया है। यहाँ से देखिए, चार फंदे यहाँ बुनेंगे, एक दो तीन और ये चार। देखिए ये चार फंदे मैंने पिंक कलर से बुन दिए हैं। अब इसके बाद दो फंदा ये ग्रीन कलर से, एक दो ब्लू कलर से है, और बाकी सभी को पिंक कलर से ही लास्ट तक बुनेंगे। नीचे तक बुन लेते फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा लास्ट तक मैंने बुन लिया है। राइट साइड टर्न करके राइट साइड में जो जैसे उसको उसी कलर से लास्ट तक बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सेकंड लाइन है। यहाँ से तीन फंदे बुनेंगे पिंक कलर के, देखिए दो और एक तीन, ये तीन बुन लिए। फिर उसके बाद यहाँ से तीन फंदे ये ग्रीन कलर को बुन लेंगे। ये देखिए तीन फंदे हैं, तीन फंदे पिंक कलर के, तीन फंदे ये नीले कलर का, सॉरी ब्लू कलर का। यहाँ से दो फंदे पिंक कलर के, फिर लाइट ब्लू में हैं तीन फंदे, यहाँ लाइट ब्लू कलर का स्काई ब्लू है। यहाँ से देखिए ये, फिर बाकी नीचे में सभी को इसी कलर से यानी कि पिंक कलर से ही बुनते जाएंगे। नीचे तक बुन लेते हैं फिर दिखाते हैं। ये देखिए, नीचे मैंने दो फंदा छोड़ दिया है। देखिए अब राइट साइड टर्न करेंगे, दो फंदा नीचे में छोड़ने के बाद राइट साइड टर्न करके जो जैसा उसको उसी कलर से पूरा लास्ट तक बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये थर्ड लाइन आ गया। अब थर्ड लाइन में ये शुरू करने से पहले देखिए, यहाँ थ्री चैन आ गए हैं। देखिए एक दो तीन, तीन चैन ये बनाने के बाद हम लोग ये वाला डिजाइन बनाएंगे पत्ती शेप का। एक दो तीन, यहाँ तीन फंदे बढ़ा लेने हैं, तो तीन फंदे यहाँ बढ़ गए देखिए। फिर उसके बाद तीनों फंदों को ही बुनना है, एक दो और ये तीन, तीनों को ही बुनना है। ये नीचे में दो तीन फंदे उसको नहीं बुनना है, यहीं से बैक कर लेना है। अब राइट साइड टर्न करेंगे, अब यहीं से तीन फंदों को बैक करके बुन लेंगे। नीचे का कुछ नहीं करना है अभी, बस पत्ती ही बनाना है अभी फिलहाल लीफ को। फिर रॉन्ग साइड टर्न करेंगे। अब रॉन्ग साइड टर्न करने के बाद एक फंदा देखिए, एक फंदा ये बढ़ा लेंगे, यहाँ से एक फंदा बढ़ाएंगे। अब उसको अब नीचे में एक फंदा छोड़ लेंगे यहीं से। ये देखिए, ये तीन फंदे को रहने दीजिए, इसको छोड़िए। यहाँ से देखिए एक फंदा यहाँ छोड़ लिए हम लोगों ने। राइट साइड टर्न करेंगे। राइट साइड टर्न करने के बाद इसको ऊपर में तीनों फंदे को बुन लेंगे। फिर से बैक करेंगे यानी कि रॉन्ग साइड में, फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे, यानी कि तीन फंदा रखे थे शुरू में, तो तीन फंदा ऊपर में बढ़ा लेंगे। दो फंदा बढ़ चुका है तो नीचे में कितना, दो फंदा छोड़ लेंगे, एक दो। राइट साइड टर्न करेंगे। अब इसको अब ऊपर में तीन फंदे हैं उसको बुन लेंगे।
फिर इसको पैक करेंगे, फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे। यहाँ से ऊपर से तीन फंदा ही बुनेंगे, तीन फंदा नीचे में छोड़ लेंगे। तीन फंदा लिए थे, छह फंदा हो गया, देखिए तीन तीन छह, और नीचे में जो है उसको नहीं गिनेंगे, इसको बैक कर लेंगे। अब राइट साइड टर्न करेंगे, राइट साइड टर्न करके ऊपर में तीन फंदे उसको बुन लेंगे। काफ़ी इजी है ये बनाना। यहाँ से देखिए अब दो फंदों को एक फंदा करके तीनों फंदे को एक एक करके बुनते जाएंगे। दो फंदे का एक फंदा किया, यहाँ से बुन लेंगे, और यहाँ से गेप है उसके लिए फंदे उठा लेते हैं ये बीच से, और एक के साथ करके बुन लेंगे इसको, ये देखिए। और यहाँ से दो फंदे छूटे हैं उसको रहने देते हैं। राइट अब फिर से राइट साइड टर्न करेंगे, और राइट साइड टर्न करके इसको बुन लेंगे। फिर से राउंड साइड टर्न करेंगे, फिर से यहाँ से दो फंदों का एक फंदा करेंगे, देखिए ये वाला बुन लेंगे। यहाँ भी गेप है काफ़ी ज़्यादा, बीच से उठा लेंगे फंदे, अब एक फंदे के साथ मिला के बुन लेंगे। एक फंदा छूट गया, तीन फंदा छोड़े थे, दो फंदा बुन लिया हमने। राइट साइड टर्न करेंगे, राइट साइड टर्न करने के बाद ऊपर में तीन फंदे हैं, तीनों फंदों को बुन लेंगे। रॉन्ग साइड टर्न कर लेते हैं, लास्ट का फंदा बचा, थर्ड फंदा। यहाँ से देखिए दो फंदे का एक फंदा करके घटा देंगे, दो फंदे का एक फंदा किया, इसके साथ मिला के इसको भी दो फंदे का एक फंदा किया। अब यहाँ से बीच से उठाएंगे एक फंदा, अब इसके साथ मिला के दो फंदे का एक फंदा करेंगे। अब लास्ट के साथ मिला के उसको भी दो फंदे का एक फंदा, एक बच गया। अब जो तीन फंदे नीचे में छूटे थे उसके साथ एक को मिला के फिर से उसको दो फंदे का एक फंदा। तो देखिए तीन फंदे हम लोगों ने बुने थे, तीन फंदे नीचे में छूट गए हैं, और देखिए पत्ते का सेप ये बन के रेडी हो गया। अब ये देखिए ये पत्ता वाला सेप बनाने के बाद यहाँ से ये तो और एक फंदा और बुन लेंगे, यानी कि पिंक कलर से यहाँ दो फंदे बुनेंगे। ये दो फंदे बुन ली, अब एक पिंक कलर का है उसको ये ब्लू कलर से कर लेंगे। एक दो तीन, ये देखिए ब्लू कलर से तीन फंदे, अब एक ब्लू कलर का फंदा है उसको पिंक कलर से, पिंक कलर से यहाँ दो फंदे बुन लेंगे। थर्ड लाइन है ये, यहाँ से पांच फंदे बुनेंगे ब्लू कलर से, दो तीन चार और ये पांच। फिर यहाँ से पिंक कलर के दो फंदे, एक दो, फिर उसके बाद ये ब्लू कलर से तीन फंदे बुनने हैं। छोटा हो गया, जोड़ लेती हूँ फिर दिख, ये देखिए तीन फंदे ब्लू कलर से, फिर उसके बाद पूरे पूरे में बुन लेते हैं इसको। पूरा नीचे तक बुनेंगे, पिंक कलर को ये देखिए चार फंदे मैंने छोड़ दिया। राइट साइड टर्न करेंगे, राइट साइड में देखिए जो जैसा उसको उसी कलर से ये यहाँ तक लास्ट तक बुन लेंगे, दो पिंक कलर है वहाँ तक बुन लेते हैं। फिर दिखा, देखिए फ्रेंड्स ये चौथा लाइन है, यहाँ से देखिए ये मैंने छह फंदे पिंक कलर से बुन लिए हैं, देखिए छह फंदे हैं। अब उसके बाद यहाँ से देखिए पाँच फंदे ये नीले कलर से डालेंगे,
तीन, चार और पांच, ये पांच फंदे हो गए। फिर उसके बाद पिंक कलर से दो फंदे, एक दो, पिंक कलर से दो फंदे हो गए। देखिए अब नीले कलर से बुनेंगे पांच फंदे, दो तीन चार और ये पांच। अब इसके बाद चार फंदे पिंक कलर से, एक दो तीन चार, चार फंदे के बाद ये नीले कलर से एक फंदा, फिर बाकी नीचे में सभी को पिंक कलर से ही। चार फंदे छूटे थे नीचे में, दो फंदे और छोड़ लेंगे तो टोटल छह फंदे हो जाएंगे। ये देखिए छह फंदे नीचे में छोड़ लिया मैंने, राइट साइड टर्न करके राइट साइड में जो जैसा है उसको उसी कलर से लास्ट तक। देखिए फ्रेंड्स ये पांचवा लाइन है, यहाँ से दो फंदे मैंने पिंक कलर के देखिए बुन लिए हैं, रॉन्ग साइड आ गए फिर से। अब यहाँ से आठ फंदे बुन लेंगे नीले कलर से, तीन चार पाँच छः सात और या आठ। यहाँ से पिंक कलर के दो फंदे, नीले कलर के सात फंदे, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात फंदे, फिर दो फंदा पिंक कलर का, एक दो, फिर उसके बाद तीन फंदे नीले कलर के, एक दो तीन। नीचे को बुन लेते हैं फिर दिखाते हैं। देखिए नीचे में छह फंदे छूटे थे, एक दो फंदा और छोड़ दिया मैंने तो आठ फंदे हो गए। राइट साइड टर्न करके राइट साइड में देखिए जो जैसा उसको उसी कलर से बुन। देखिए फ्रेंड्स ये छठ वाला है, ये देखिए पत्ती वाला शेप मैंने बना लिया है। उसके बाद ग्यारह फंदे मैंने ये पिंक कलर से बुन लिए हैं। अब इसके बाद देखिए सात फंदे मैं नीले कलर से बुनूंगी, एक दो तीन चार पाँच छः और सात, दो फंदे पिंक कलर से, एक दो, फिर पिंक कलर के, पिंक कलर के दो फंदे बुनने के बाद पांच फंदे ये नीले कलर से, एक ये दो तीन चार और ये लास्ट पांच। ये देखिए पांच फंदे हैं, अब पिंक कलर से बुन लेंगे नीचे के सभी फंदों को, दो दो करके बुनते जाएंगे लेते जाएंगे। ये देखिए आठ फंदे थे, दो फंदे मैंने बुन लिए, छह फंदे बच गया। राइट साइड टर्न करेंगे, राइट साइड में पूरा लास्ट तक बुन। देखिए फ्रेंड्स ये सातवां लाइन है, यहाँ से दो फंदे मैंने पिंक कलर के बुन लिए हैं और ये पंद्रह फंदे ग्रीन कलर से, सॉरी नीले कलर से बुन लिया है, ब्लू कलर से। और यहाँ देखिए दो फंदा पिंक कलर का और सात फंदा ये ब्लू कलर का, और चार फंदे मैंने ये पिंक कलर के बुन लिए हैं। सातवां लाइन है ये, और चार दो चार फंदे नीचे में छूट गया, छह फंदे छूटा था, दो फंदे लेके मैंने बुन लिया है। राइट साइड टर्न करेंगे, देखिए देखिए राइट साइड में जो जैसा उसको उसी कलर से पूरे लास्ट तक बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये आठवां लाइन है, यहाँ से मैंने पूरा अट्ठारह फंदे पिंक कलर से बुन लिए हैं और सात फंदे ये नीले कलर से बुन लिए हैं, और एक फंदा पिंक कलर का और एक फंदा येलो कलर का, और बाकी देखिए पांच फंदे यहाँ पिंक कलर के मैंने बुन लिए हैं। चार फंदे थे, दो फंदों को लेकर बुन लिया, दो फंदे छूट गया है। राइट साइड टर्न करेंगे, राइट साइड को जो जैसा उसको उसी कलर से बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये नौवा नंबर लाइन है, ये दो फंदे मैंने पिंक कलर के बुन लिए हैं, इसके बाद बाईस फंदे नीले कलर से बुनेंगे। यहाँ बाईस फंदे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बाईस फंदे पूरा बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ।
देखिए ये पूरे 22 फंदे मैंने नीले कलर से बुन लिए हैं, और यहाँ देखिए पिंक कलर का एक फंदा बुनेंगे, फिर उसके बाद 3 फंदे ये येलो कलर से, 1, 2 और ये 3, फिर बाकी नीचे में पिंक कलर से लास्ट तक बुनेंगे पूरे नीचे तक। यहाँ गेप है देखिए, काफ़ी ज़्यादा गेप हो रहा है, तो यहाँ से फंदे उठा लेंगे बीच से, एक फंदे के साथ मिला के बुन लेंगे, और नीचे में एक फंदा और है उसको भी बुन लेंगे। ये देखिए अब राइट साइड टर्न करेंगे, देखिए जो जैसा है उसको उसी कलर से पूरे लास्ट तक बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये 10वां लाइन है, ये पत्ता वाला शेप मैंने बना लिया है, 3 फंदे यहाँ से 3 फंदे मैंने देखिए ये बुन लिया है, 24 फंदे ये इसके बुनने हैं, तो ये हो गया 4 पिंक कलर से, 24 फंदे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24, देखिए 24 फंदे मैंने बुन लिए हैं। यहाँ से येलो कलर के 5 फंदे, 1, 2, 3 बुन लेते हैं। देखिए ये 5 फंदे मैंने बुन लिए हैं, और यहाँ से देखिए 5 फंदे इसको बुन लिया, राइट साइड टर्न करके राइट साइड में जो जैसा उसको सीख। देखिए फ्रेंड्स ये 11वां लाइन है, 2 फंदे मैंने पिंक कलर के बुन लिए, पूरे 22 फंदे नीले कलर से बुन लिया। यहाँ देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो चुका है, यहाँ देखिए ये वाला ये ऊपर चढ़ गया है, इसको इसके बीचे भी बीचों बीच आता, ये वाला एक फंदा यहाँ पिंक कलर का था और यहाँ आता ये येलो कलर का फंदा, यानी कि 1, 2, 3 यहाँ येलो कलर का फंदा बनता मगर ये ऊपर चढ़ गया, ये यहाँ मिस्टेक हुआ, तो मैंने यहाँ देखिए सुधार लिया है। ये देखिए यहाँ 5 फंदे बने थे, 1, 2, 3, 4, 5, अब 5ों के बीच में ऊपर में एक फंदा पिंक कलर से कर लेंगे और नीचे में पिंक कलर से कर लेंगे और बीच में 3 फंदे येलो कलर से कर लेंगे, तो सेम इसको भी वैसी करिएगा तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो पूरा पिंक कलर का सभी फंदे को मैंने बुन लिया है नीचे तक, अब देखिए राइट साइड टर्न करके जो जैसा उसको उसी कलर से बुन लेंगे। ये येलो कलर के 3 फंदे यहाँ बन चुके हैं, बुन लेते हैं राइट साइड। देखिए फ्रेंड्स ये 12वां नंबर लाइन है, यानी कि 12वां रो है, यहाँ से मैंने 18 फंदे पिंक कलर के बुन लिए हैं, 7 फंदे हैं ये नीले कलर के, 1 फंदा पिंक कलर का, 1 फंदा येलो कलर का, बाकी सभी पिंक कलर के फंदे, नीचे 2 फंदे मैंने छोड़ रखा है। और राइट साइड टर्न करेंगे, देखिए राइट साइड में जो जैसा उसको उसी कलर से पूरे लास्ट तक बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये 13 लाइन है, यहाँ से 2 फंदे मैंने ये पिंक कलर के बुन लिए, यहाँ से 15 फंदे हैं पूरा नीले कलर के, यहाँ तक 15 फंदे और 2 फंदे पिंक कलर, फिर उसके बाद 7 फंदे यहाँ नीले कलर से, फिर उसके बाद पिंक कलर से 4 फंदा, यहाँ 6, 2, 4 फंदा मैंने नीचे में छोड़ा है। देखिए राइट साइड टर्न कर लेंगे, राइट साइड को बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये 14 लाइन है, 14, यहाँ से 11 फंदे मैंने ये पिंक कलर से बुन लिए हैं, 7 फंदे नीले कलर से और 2 फंदे पिंक कलर से और 5 फंदे नीले कलर से, और बाकी 3 फंदे मैंने पिंक कलर से बुन लिए हैं, यहाँ 6 फंदे छोड़ रखा है। राइट साइड को बुन लेते हैं जो जैसा उसको उसी कलर से। देखिए फ्रेंड्स ये 15वां लाइन है, यहाँ 2 फंदे मैंने पिंक कलर के बुन लिए, 8 फंदे ये ब्लू कलर के हैं, 2 फंदा यहाँ पिंक कलर के है, 7 फंदा ब्लू कलर का, 2 फंदा पिंक कलर का, 3 फंदा ब्लू कलर का, बाकी 2, 4, 5, 6 फंदे यहाँ ये पिंक कलर के हैं, 2 फंदे मैंने लेके बुन लिया, 4 फंदे छूटा। राइट साइड को बुन लेते हैं जो जैसा उसको उसी कलर से। देखिए फ्रेंड्स ये 16 लाइन है, यहाँ से मैंने ये देखिए 6 फंदा पिंक कलर का बुन लिया है और ये 5 फंदा है ब्लू कलर से, 2 फंदा पिंक कलर से, 5 फंदा ब्लू कलर से, 2
यहाँ चार फंदा पिंक कलर से, एक फंदा ब्लू कलर से, बाकी सभी को मैंने पिंक कलर से बुन लिया है। यहाँ चार फंदे थे, दो फंदे को लेकर बुन लिया है, दो फंदा यहाँ छूटा है। राइट साइड को टर्न करेंगे, राइट साइड को बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये 17 नंबर रो है। यहाँ से दो फंदे मैंने पिंक कलर का बुन लिया, तीन फंदा नीला कलर का, दो फंदा पिंक कलर का। यहाँ से पाँच फंदे नीले कलर का, दो फंदा पिंक कलर का, तीन फंदे नीले कलर का, और पूरे पिंक कलर को नीचे तक मैंने बुन लिया। राइट साइड को बुन लेते हैं टर्न। देखिए फ्रेंड्स, ये 18 लाइन है, 18। यहाँ तीन फंदे मैंने पिंक कलर के बुन लिए हैं, और देखिए ये ब्लू कलर से तीन फंदे, दो फंदा पिंक कलर का, तीन फंदा ब्लू कलर का, बाकी सभी को पिंक कलर से मैंने बुन लिया। लास्ट में दो फंदा छोड़ दिया है, राइट साइड टर्न करके बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 19 नंबर 19वां रो है। यहाँ चार फंदे मैंने पिंक कलर के बुन लिए हैं, दो फंदा ब्लू कलर का, बाकी सभी को पिंक कलर से बुन लिया है। नीचे में चार फंदा छोटा है, राइट साइड को टर्न करके बुन लेते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए ये पूरा कली बनके तैयार हो चुका है, और एक रो मैंने पिंक कलर से पूरा निकाल लिया है। ये तीन कली बनके तैयार हो चुका है। सो फ्रेंड्स, मगर अगर मेरा ये डोरमेट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।